आज हम टेक की दुनिया में जा रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो दशकों से हमारे कंप्यूटर को पावर दे रही है, AMD। आपने शायद उनके प्रोसेसर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी कहानी जानते हैं? यह एक वाइल्ड राइड है जो कॉम्पिटिशन, इनोवेशन और कुछ गंभीर अंडरडॉग मोमेंट्स से भरी है। तो तैयार हो जाइए, अपना पसंदीदा स्नैक लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत में वापस जा रहे हैं यह देखने के लिए कि AMD आज का टेक जायंट कैसे बना। उन चिप्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके कंप्यूटर को झूम बनाते हैं। हमारी कहानी 1969 में शुरू होती है। समर ऑन फ्लव खत्म हो गया था, लेकिन एक नए तरह का प्यार खिल रहा था, टेक्नोलॉजी का प्यार। दिग्गज जेरी सैंडर्स के नेतृत्व में इंजीनियरों के एक समूह ने एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस नामक एक कंपनी की स्थापना की, या संक्षेप में AMD। उनका पहला मिशन, मेमोरी चिप्स। ये चिप्स शुरुआती कंप्यूटरों के दिमाग की तरह थे, जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर करते थे। AMD ने उच्च गुणवत्ता वाली मेमोरी चिप्स बनाकर जल्दी ही अपना नाम बना लिया। लेकिन AMD सिर्फ मेमोरी से संतुष्ट नहीं था, उनके बड़े सपने थे। वे ऑपरेशन का दिमाग बनाना चाहते थे, प्रोसेसर। उन्हें कम ही पता था कि यह उन्हें इंटेल नामक एक छोटी कंपनी के साथ टकराव के रास्ते पर डाल देगा। उस पर बाद में और। 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का चलन बढ़ रहा था, हर कोई एक चाहता था, और इन PC का दिल इंटेल प्रोसेसर था। प्रोसेसर गेम में अभी भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे AMD ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने इंटेल के साथ एक समझौता किया, उनके प्रोसेसर के लिए दूसरा स्रोत निर्माता बन गया। इसका मतलब था कि AMD इंटेल डिजाइन वाले प्रोसेसर बना और बेच सकता था। यह अजीब लग सकता है, अपने कॉम्पिटिशन के साथ टीम बनाना, लेकिन यह कदम जीनियस था। इसने AMD को प्रोसेसर बनाने का बहुमूल्य अनुभव दिया। वे सर्वश्रेष्ठ से सीख रहे थे, साथ ही अपनी निर्माण क्षमताओं का निर्माण भी कर रहे थे। यह साझेदारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, लेकिन यह AMD के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। वे रस्सियों को सीख रहे थे, प्रोसेसर प्रधानता के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। इंटेल प्रोसेसर बनाते समय AMD केवल कॉपी करके वापस नहीं बैठ रहा था, वे नए विचारों की खोज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। इसने उन्हें RISC प्रोसेसर की दुनिया में ले जाया। RISC का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। चिंता मत करो, इसे समझने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है। मूल रूप से RISC प्रोसेसर को इंटेल द्वारा बनाए जा रहे जटिल प्रोसेसर की तुलना में सरल और तेज होने के लिए डिजाइन किया गया था। AMD के RISC प्रोसेसर जैसे AM29000 को एम्बेडेड सिस्टम में जगह मिली। गेम कंसोल, प्रिंटर और औद्योगिक मशीनों के बारे में सोचें। RISC में इस प्रयास ने AMD की नए तकनीकों को नया करने और तलाशने की इच्छा को दिखाया। वे अलग होने से, यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते थे। इनोवेशन की यह भावना आने वाले वर्षों में उनके काम आएगी। सेक्शन 5, इंटेल के साथ आमने सामने होना। याद है वो डील जो AMD ने इंटेल के साथ उनके प्रोसेसर बनाने के लिए की थी? खैर, 1991 में चीजें असली हो गईं। AMD ने AM386 लॉन्च किया, एक प्रोसेसर जो इंटेल के 386 चिप के साथ कंपेटिबल था। लेकिन यहां किकर है, यह पूरी तरह से AMD द्वारा डिजाइन किया गया था। यह युद्ध की घोषणा थी। AMD अब अंडरस्टडी होने से संतुष्ट नहीं था, वे सीधे इंटेल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, और AM386 तो बस शुरुआत थी। यह इंटेल की पेशकश से तेज और सस्ता था, जिससे यह PC बनाने वालों के बीच हिट हो गया। प्रोसेसर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। AMD अब एक गंभीर दावेदार था, जो इंटेल के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। सेक्शन 6K5 और उसके आगे। AMD ने 90 के दशक में इंटेल पर दबाव बनाए रखा। उस समय प्रोसेसर उद्योग में प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर थी, और AMD ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने प्रोसेसर की एक श्रृंखला जारी की, हर एक पिछले वाले से तेज और अधिक शक्तिशाली। यह एक स्पष्ट संकेत था कि AMD केवल प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीतने के लिए तैयार था। लेकिन यह K5 था जो 1996 में रिलीज हुआ, जिसने एक सच्चे इनोवेटर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। K5 ने AMD को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, और यह प्रोसेसर उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। K5 x86 आर्किटेक्चर के लिए पूरी तरह से घर में डिजाइन किया गया AMD का पहला प्रोसेसर था, वही आर्किटेक्चर जो इंटेल द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसने AMD को इंटेल के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दी।
यह इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर के साथ आमने सामने जाने के लिए था और इसने निराश नहीं किया। K5 ने प्रदर्शन और मूल्य दोनों में इंटेल को चुनौती दी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। K5 ने कई प्रमुख इनोवेशन पेश किए, जिसमें एक उन्नत शाखा भविष्यवाणी इकाई शामिल है, जिसने प्रोसेसर को और भी तेजी से चलाने में मदद की। यह इनोवेशन AMD के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुआ, जिससे उनके प्रोसेसर अधिक कुशल और प्रभावी हो गए। K5 के बाद अन्य सफल प्रोसेसर लाइनें आईं, जैसे एथलॉन और फिनॉम। इन प्रोसेसरों ने AMD की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया और उन्हें प्रोसेसर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। AMD लगातार नया कर रहा था, प्रोसेसर तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। उनकी निरंतर नवाचार की भावना ने उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाए रखा और उन्हें नई तकनीकों को अपनाने और विकसित करने में मदद की। वे इंटेल के साथ शतरंज के लगातार खेल में थे, हर चाल दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती थी। यह प्रतिस्पर्धा न केवल दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद थी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर और अधिक किफायती प्रोसेसर मिलते रहे। सेक्शन 7, अधिग्रहण के माध्यम से विकास। AMD का विकास केवल बेहतर प्रोसेसर बनाने के बारे में नहीं था, यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें तकनीकी नवाचार और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना शामिल था। वे जानते थे कि इंटेल जैसे दिग्गज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। यह केवल उत्पादों की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं था, बल्कि बाजार में उनकी उपस्थिति और प्रभाव पर भी निर्भर था। इसलिए वे खरीदारी की होड़ में चले गए, उन कंपनियों का अधिग्रहण किया जो बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती थी। यह एक सोची समझी रणनीति थी, जो उन्हें विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकती थी। 2006 में उन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी की, ATI टेक्नोलॉजीज। यह अधिग्रहण न केवल उनके ग्राफिक्स क्षमताओं को बढ़ाने के लिए था, बल्कि उन्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए भी था। ATI ग्राफिक्स कार्ड में एक पावर हाउस था, वे चिप्स जो हमारे खेलों को सुंदर बनाते हैं। यह अधिग्रहण AMD के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे उन्हें उच्च प्रदर्शन ग्राफिक्स बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद मिली। इस अधिग्रहण ने AMD को ग्राफिक्स बाजार में एक बड़ी जगह दी और उन्हें APU बनाने की अनुमति दी। ऐसे चिप्स जो CPU और GPU को एक शक्तिशाली पैकेज में मिलाते हैं, यह नवाचार उन्हें प्रतिस्पर्धा में एक कदम आगे ले गया। AMD यही नहीं रुका, उन्होंने अपनी अधिग्रहण रणनीति को जारी रखा, जिससे वे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सके। उन्होंने डेटा सेंटर सर्वर में विशेषज्ञता वाली कंपनी C-Micro और अनुकूलनीय कंप्यूटिंग में अग्रणी सिलिंक्स का अधिग्रहण किया। ये अधिग्रहण उन्हें नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी तकनीकी क्षमताओं को और बढ़ाने में मददगार साबित हुए। इन अधिग्रहणों ने दिखाया कि AMD भविष्य पर दांव लगाने से, नए और रोमांचक बाजारों में विस्तार करने से नहीं डरता। यह उनकी दूरदर्शिता और नवाचार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो उन्हें तकनीकी उद्योग में एक अग्रणी कंपनी बनाता है। सेक्शन 8, राइजन का उदय। 20 के दशक के मध्य तक AMD एक कठिन लड़ाई का सामना कर रहा था। कंपनी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की आवश्यकता थी। इंटेल अभी भी प्रोसेसर में प्रमुख शक्ति था और AMD को एक गेम चेंजर की आवश्यकता थी। राइजन दर्ज करें। यह एक ऐसा उत्पाद था जो न केवल AMD को प्रतिस्पर्धा में वापस लाने वाला था, बल्कि प्रोसेसर उद्योग में एक नई दिशा भी देने वाला था। 17 में रिलीज हुआ, राइजन सिर्फ एक नए प्रोसेसर से कहीं अधिक था। यह एक क्रांति थी। इसने न केवल AMD के लिए एक नया युग शुरू किया, बल्कि उपभोक्ताओं को भी एक नया विकल्प प्रदान किया। राइजन प्रोसेसर जेन नामक एक नए आर्किटेक्चर पर आधारित थे। यह आर्किटेक्चर न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत था, बल्कि इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन किया गया था। जेन को शुरू से ही तेज, अधिक कुशल और AMD द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह काम किया। AMD के इंजीनियरों ने इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। राइजन प्रोसेसर ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अविश्वसनीय प्रदर्शन की पेशकश की। इसने उपभोक्ताओं को उच्च प्रदर्शन और किफायती मूल्य का एक अद्वितीय संयोजन प्रदान किया। राइजन लॉन्च AMD के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था।
ये वह क्षण था जब एएमडी ने दुनिया को दिखाया कि वे अभी भी नवाचार और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसने उन्हें एक गंभीर दावेदार के रूप में मानचित्र पर वापस ला दिया, बाजार हिस्सेदारी वापस जीती और तकनीकी उत्साही और समीक्षकों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की। समीक्षकों ने इसे एक गेम चेंजर के रूप में सराहा और उपभोक्ताओं ने इसे हाथों हाथ लिया। राइजन युगों के लिए एक वापसी की कहानी थी जिसने साबित कर दिया कि एएमडी यहां रहने के लिए है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने तकनीकी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एएमडी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सेक्शन 9, एएमडी आज और आगे। तो आज एएमडी कहां है? वे आग पर हैं। राइजन प्रोसेसर गेमिंग पीसी से लेकर डेटा सेंटर तक हर चीज को पावर देते हुए अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उनके ग्राफिक्स कार्ड रेडियन आर्किटेक्चर पर आधारित हैं, जो उन्होंने एटीआई से हासिल किए थे। एनविडिया को उनके पैसे के लिए एक रन दे रहे हैं। एएमडी अंडरडॉग से एक टेक टाइटन बन गया है, लगातार नया कर रहा है और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। वे एक ऐसी कंपनी है जो प्रतिस्पर्धा को अपनाती है, ये जानते हुए कि यह उन्हें मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब आप अपना कंप्यूटर बूट करें या अपने पसंदीदा गेम में ग्राफिक्स पर आश्चर्यचकित हों, तो एएमडी नाम याद रखें। वे कंपनी है जो कंप्यूटिंग के भविष्य को सभी के लिए तेज, अधिक शक्तिशाली और अधिक सुलभ बना रही है, और यह जानने लायक कहानी है। ट्यून करने के लिए धन्यवाद।